दक्षिण अफ्रीका में 3 दिन की सामुदायिक गतिविधियों को अंजाम देने के बाद आज INS त्रिशूल भारत रवाना हो गया। भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का युद्धपोत INS त्रिशूल 3 दिनों की सद्भावना यात्रा पर डरबन के बंदरगाह पहुंचा था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली के 30 साल पूरा होने और दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से उतारे जाने की घटना के 130 साल पूरे होने के अवसर को याद करने के लिए ये युद्धपोत डरबन की यात्रा पर गया था। इस घटना के बाद ही महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया था। पीटर मैरिट्सबर्ग में एक कार्यक्रम में पोत के एक बैंड ने महात्मा गांधी के कुछ पसंदीदा भजन बजाए। बैंड के सदस्यों ने स्टेशन पर उस स्थान पर पुष्पांजलि भी अर्पित की जहां गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाला गया था। अपनी सामुदायिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में INS त्रिशूल के चालक दल ने फिनिक्स यूथ सेंटर का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत के स्थानीय वाणिज्य दूतावास के साथ मिलकर फिनिक्स चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन के स्थानीय सामुदायिक परियोजनाओं के लिए अलग अलग सामग्री दान की। INS त्रिशूल 9 जून को डरबन से प्रस्थान करने से पहले वहां रिट्रीट समारोह और यूनिटी वॉक जैसे कुछ कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। INS त्रिशूल की डरबन यात्रा भारत की आजादी के 75 साल के उत्सव आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा थी। अब समंदर का ये रखवाला इन गतिविधियों में हिस्सा लेकर स्वदेश लौट रहा। चलिए जानते हैं क्या है INS त्रिशूल की खासियत। दरअसल INS त्रिशूल भारतीय नौसेना के तलवार वर्ग का दूसरा युद्धपोत है। त्रिशूल निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट 2003 में भारतीय नौसेना के सशस्त्रगार में शामिल हुआ। जहाज को तत्कालीन फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी नौसेना कमान वाइस एडमिरल अरुण प्रकाश ने सेंट पीटर्सबर्ग रूस में 25 जून 2003 को कमीशन किया था। त्रिशूल 8 सेल KBSM-3S-14NE वर्टिकल लॉन्चर को शामिल करने वाला दूसरा भारतीय युद्धपोत बन गया और नई दिल्ली और रूस दोनों ने मिलकर डिजाइन की गई मिसाइल सुपरसोनिक ब्रह्मोस PJ-10 ASCM को अपलोड करने वाला पहला था। त्रिशूल का VLS रूसी डिजाइन किया गया 3M-54E क्लब एन सबसोनिक ASCM लॉन्च कर सकता है। त्रिशूल सतह और हवाई लक्ष्यों के लिए एक 100 मिमी A190E दोहरे उद्देश्य वाली बंदूक माउंट है। इसकी आग की दर 15 किलोमीटर की सीमा पर 60 राउंड प्रति मिनट है। खैर, भारत के INS त्रिशूल में वो तमाम खूबियां हैं जो दुश्मनों को पानी पिलाने के लिए काफी है। और रही बात दुश्मनों की, तो चीन के दम पर इतराने वाले देश पाकिस्तान का इसी INS त्रिशूल ने वो हाल किया था, जिसे देख दुनिया ने मान लिया था भारत के इस प्रहरी का लोहा। अब आपका क्या कुछ कहना है इस युद्धपोत को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।